हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत राज्य, जिसे ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं, तभी तो इंसान के साथ साथ यहाँ के लोग जीव जंतुओं में भी आस्था रखते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा भगवान शिव के साथ साथ सांपों की भी पूजा की जाती है। शहर के सबसे संपन्न व्यक्ति काली पांडे, जिनके कुल देवता हैं इच्छाधारी नाग और नागिन। मैनेजर साहब। जी मालिक। हम जाता नहीं हजारीबाग। मालिक आज तो नाग पंचमी है, बिना नाग देवता के पूजा के लिए रउआ हजारीबाग मत जाएंगे। अरे मैनेजर साहब, आज के दिन हम भोर पर आ सकता नहीं। हमारा पता बा कि आज नाग पंचमी बा, और ये दिन हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्षों से नाग देवता के पूजा कर चला होता। बिना पूजा के लिए हम कहीं जा सकता नहीं। लेट होता। अच्छा तो मालिक बोला, भगवान तो रउआ के सब कुछ दे ले, लेकिन मलकिनी के आवाज ना दे ले। अरे मैनेजर साहब, हमार मालती के भगवान आवाज छीन लेते काब। आज इनका वजह से हमरा चांद जैसन दूगो बच्चा, जब से इनकर कदम एक घर में पड़ल लक्ष्मी बरसा दिया। इतना धन दौलत शानो शौकत सब कुछ बा, आज सबसे बड़ा चीज बा कि हमरा कितना प्यार करेली कि ऐसन पत्नी भगवान सब के होके देवे। चलल जाओ, लेट होता नू। चला चलल जाओ। बर्बाद हो गए अरे क्या करता रहा, उठा लो, उठा उठा। हमने के बचा ला जीजा जी, हमने के बचा ला तीन दिन से कुछ न कि जीजा जी बचा ला। अरे तो का हालत बनी बड़ा तुम्हें के का बताई जीजा जी, बाढ़ में सब कुछ दहा गई, खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ दहा गई जीजा जी। घर में अनाज के एक को दाना नहीं खे, जेकरा खा के आज से जिंदा रह सके। अब रउरे सहारा बा जीजा जी, अपन चरण में हमनी के शरण ले जी जीजा जी। दीदी तीन दिन से हमने की एक और के दाना नहीं की खेल, छाती भर पानी के हेल के अपन जान बचा के रहुआ लोग के पास ही नहीं है। हमने के बचा लेती रहुआ लोग के हमने गुलामी करब कोनो काम धंधा दे दी दीदी, सहारा दे दी दीदी। हम झाड़ू पोछा करब, बर्तन माजब, गाय के गोबर काढ़ब, बस हमने के सहारा दे दी दीदी। अरे तुमने के हमारे यशोदा के चचेरा भाई बहन हो, तुमने के मदद हमने के ना करे तो के करे। चिंता मत करो लोग, का यशोदा मैनेजर साहब। जी मैं लोग के रह के व्यवस्था कर ली। साला साली है लोग, तकलीफ ना हो, खाना वाना खिलावा, रह के व्यवस्था करा दा। हमनी के मंदिर से होके आओ तक, ठीक बा? बुलाओ जी, पकावन जी, अब रोल ने आराम से रही। चलो बैठ, बुलाओ जी, अब शाम के भेंट होई। चली सबके उचली आई हे आवाज सिस्टर। चली 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 हमनी के जीजा जी। दीदी कितना अच्छा हुए, ना कहे के चाहत ये लोग के व्यवहार ठीक नहीं खे। अरे भाई आखिर तोरे नैहर के लोग नुआ, आई दुख मुसीबत में हमनी के साथ ना देव तो के दी, ये बतावा। कुछ दिन रहिया सन, ओकरा बाद ओखनी के हालत वाला ठीक हो जाए, चल जाइया सन। चिंता मत कर, चिंता मत कर, भगवान इतना सब कुछ देले बड़े, हर आदमी के मदद करे के चाहिए, ठीक बा नू? चला जाए दा, नाग देवता सब ठीक करे।
काटा था हमका भगवान, ऐसे किस्मत बदलने वाले गांव में गुलामी करत रानी, एतो ही गुलामी करे के पड़ा था। भगवान ऐसे किस्मत केहू के ना देगा। काए मैनेजर साहेब, शादी सुदा हो के लाइन मारता नहीं आ? तो का करी, 6 महीना हो गेल मेहरारू के नैहर गईला। तनी देख के अकिया सेक लेता नहीं, तनी मन के शांति हो जा। तो का करता रहे जा? का करिए मैनेजर साहेब, हम आओ जब एकरा के देखे नहीं नू तो हमरो मनवा में कुछ कुछ होके लागेला। आ करे जब ठक ठक करे लागेला, आ मन करे ना नु कि एकरा के पकड़ के चबा मन के साथ। अरे क्यों देख ली, चुपचाप रहो, देख के हुआ। चल 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 चल। ये घर के चमक दमक देख के हम सोचा था नहीं कि कहिया ये घर पे हमनी के राज करो। भैया हमने तो ऐसा साहब बनी जा जितना कटला के बाद लोगन के पानी भी नसीब न हो। और ये काली पांडे आज नहीं तक काल हमरा उंगली पर नाचे जरूर और हम नचाई। और का हमने क्या खाली घर में काम करे अलवानी? अरे हमने तो घर में राज करे अलवानी, राज। सबसे पहले ही दोनों बचपन के अपना रास्ता से हटावे के पड़ी। ओकरा बाद रहल बात यशोदा की,
तो बचवान के शोक में तो असही मर जाए। ओकरा बाद हमर बहिन मेनका बन के काली पांडे के अपना बस में कर और सारा धन संपत्ति हमनी के नामे हो जाए। भैया ऐसा हो सकेला का? काहे ना हो सकेला? अरे घर में जब से आयल बानी तो रोज सपना देखता नहीं, घर बार हो गई। लेकिन एक बात बा भैया, यह सोना दीदी के मरला के बाद उनकर देह पर जितना सोना चांदी के गहना बा वो सब हम पहिरब। अच्छा हाय देखा बउआ भइल ना दिनले पहले चाहिए। अरे पहले काम तो होवे दा, काम हो जाए तो देखल जाए। भैया बोला हमनी के पहला मिशन बा शिवा और ज्योति के रास्ता से हटावे के, बिहने दूध में जहर मिला के ओकनी के पिला देनी। आप तो हार दोनों बच्चा बड़ा हो गई सोदा, अब ये दोनों जाने की स्कूल भेजल जरूरी बा। बेटा स्कूल जाएगी ना? गुड दीदी जाजी। अरे ज्योति के दूध पिला देता नहीं जा, मौसी से दूध पिला। दूध देख लीजिए सोदा। अरे तहार बहिन कितना प्यार करता रही हमनी के बच्चा से। तहार बहिन ही कहावत सत्य कर देली कि माई में या मौसी में कोनो अंतर ना हो। कि सांप के दूध पिया आई तो एक नाइट दिन डस्ट हम तो कहत नहीं कि कोनो सपेरा के बुलवा के इकुल सापन के ओकनिए के हवाले कर। अरे बता ये नाग देवता हमनी के कुल देवता होंगे, जरूर कोनो ना कोनो बात इसे वहां के हमनी के दर्शन दिले। जे भी ओके गलती सही भगवान हमनी के माफ करस। जय हो नाग देवता की, जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता की। यार खुदा, यार को तबाह करने का रास्ता। बेटा राशिद। बोलिया बाजान। अब इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें इच्छाधारी नाग नागिन का पता चल गया। अब मैं हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा बेटा, तबाह कर दूंगा। लेकिन अब्बा जान, आप इतने बड़े हिंदुस्तान में उस इच्छाधारी नाग नागिन को आप कैसे ढूंढ पाओगे? हिंदुस्तान में एक छोटा सा राज्य है बेटा, झारखंड। वहीं इच्छाधारी नाग और नागिन से मिलेंगे। अब मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ बेटा, उस नाग और नागिन को लाने। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अब्बा जान। आज तब बाल बाल बच गए भैया, पता ना उस सांप कहाँ से आ गई और हमने की प्लानिंग पर पानी फेर देलस। जायदा जान बचल तो लाखों पैनी। रउआ लोगन के जान की चिंता बा, हमरा दीदी के हार की चिंता बा।
पता ना दीदी के हार हम कहिया पहरब। इनका के देखा सोना रहा गेल आ कोयला पर छापा। नहीं कुछ समझ में नहीं आवत। हमने के जान जाता नहीं इनका हार में प्राण लटकल बा। अगर दोबारा बोलू ना हार के बारे में तो मार के मुंह फोड़ दे। जायदा भैया झगड़ा मत कर। अरे भैया एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा। का भुरावन का? आज पूरा परिवार जेबानू देवघर जाता और हम ई गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे। आज पूरा परिवार के कहानी खाता। शाबाश। अब बुझाता कि तू हमारा असली भाई। इतना अच्छा तो काम कर ले बारा। काली बिहान के बाद पूरा प्रॉपर्टी पर हम ही राज होई। ये भाई लो बात। मैनेजर साहब। जी मालिक। जी हम फाइल पर साइन कर देनी है। भाई ले जाके धनबाद पहुंचा दी। हम जाता नहीं देवघर। रहुआ दोनों जने चल नहीं पलामू। वहाँ से हिसाब किताब जोन भी हो के हमरा के फोन करी। हम फोन में समझा देम कि आगे का करे के बटे। प्रणाम प्रणाम। क्या बात बस सारा गिरोह यहाँ भोरे भोरे खड़ा बा। अरे जीजा जी अभी घर के जिम्मेदारी हमारे के ना बा। बिल्कुल यहाँ से काम थोड़ा ना चली। आज्ञा दी ना हमने खातिर का आदेश। अब रउआ लोगन की हमका आज्ञा दी। ये घर राउर लोग के बा हमने के देवघर जाता नहीं। दो दिन के बाद लौट के आ। अच्छा तब तक लिए घर के सारा देख रेख रउआ लोगन ये करे के बा। आराम से जाए घर में सारा जिम्मेदारी हमने के बा। घर के बाल बाका भी नहीं। अरे दीदी पहले तू देख लो अपन भाई लोग के आज ही सारा जिम्मेवारी लोग निभाओ था कि ना। खूब बढ़िया से ध्यान रखिए लोग। बाय 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 जीजा जी हमेशा के खातिर। एक बात कान खोल के सुन ले जा। आजे से रोबे के प्रैक्टिस शुरू कर दे जा। ऐसे कि कल खबर मिलला के बाद जब छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के ओढ़निया ओढ़निया के रोब जा तो दुनिया के ई लागे के चाहे कि एकनी के मरला के बाद सबसे ज्यादा दुख हमानिए के भइल बा। तू लोग ई बात के बिल्कुल चिंता मत करिया। काहे कि ड्रामा करे में हम पीएचडी कइले बानी। अब तो दीदी वो सोना के हार जल्दी से हमरा के पहने के मिल जाए। अरे काहे ना चला 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 चला। हाय देखा भिखारी के बेटे चल। अरे भैया काहे परेशान होता रहे। अरे ऐसा काम कर देले बानी कि अगला 7 जन्म तक ओकनी की आत्मा है घर में ना भटकी। लेकिन भैया मरे के तो अभी तक कोनो खबरें नहीं खे आई। मर तो गई होइन सन्ना। हमरा तो बड़ा डर लगता। बुलावन पाड़े हमार नाम हो। हमार काटल पानियो ना मांगेला। सही बात। अभी तक उन लोग के राम नाम सत हो गए लोग। अरे भैया नाम लेला हो देखा लाश हाजिर हो गए। देखा 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 आगे लाश।
सही सलामत लोग दीदी। ओ भैया तो साचा जिंदा बाड़ लेकिन ये भाज कैसे गिल आओ यशोदा अरे ये तो हमरा नहीं के बुझात कैसे जिंदा बच गए हमरा तो जिंदगी में लगा था कि घासे काटे के लिखल बा पकावन कैसे ब्रेकवा फेल कर ले रहे रे भैया हम तो साचहू ब्रेकवा सही में फेल कर ले रहनी लेकिन ये सब कैसे बच गए लन सा ये तो हमरा खुद ही नहीं के पता चल का जाने भगवान का कर दे ले लेकिन भैया एक बात तय बा कोलहन के मौत ना हमरे हाथे लिखल बा तेरे कुल देवता नहीं है ये एक इच्छाधारी नाग और नागिन है मैं इन्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूं और इनसे ऐसी दवा तैयार करूंगा जिससे तुम्हारा हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए पाकिस्तान तू जो नाग देवता के बीच से सारा हिंदुस्तान के तबाह करके सपना दिखाता रे तनी सोच 125 करोड़ जनता के भीतर कितना ताकत होई? सारा हिंदुस्तानी तोरा देश के तरफ मुंह करके फूक दिनो तो तोर पाकिस्तान के दुनिया से नामो निशान मिट जाई और जमा तू ताके तो तोर खून पी जाए तुम में और तुम्हारे नाग देवता में अगर इतनी शक्ति है तो मुझे रोक के बता मैं इन्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूं Thank you.
गईल। आई हो दादा, अब का होखी? केतना समझौनी हम यशोदा दीदी के, लेकिन वो हमने के बात कहा मल्ली ना मल्ली। आई हो दादा, अभी गईल का होखी? हे भगवान, बाल बच्चा सब टूअर हो गईल बड़े सब। हमार लड़का सब के टूअर मत बोला भैया, अभी ओखनी के मौसी जिंदा भी है। मौसी भी तो महतारिये ना हो खेली, दीदी नहीं खी तो का भाई, अभी हम तो जिंदा बनी नू। हम आप जिंदा रहते, ये बच्चा लोग कबो अनाथ ना होखी। मलकिनी के मरले 13 दिन भी ना भाई, और इकनी के जाल बिछावल शुरू कर दिला सन। भगवान एकुल के कबो माफ ना करिया, पिलुआ भरे एकुल के पिलुआ। ए सनीचरी, अब हमार जीजा जी के सेवा के करी? हमने के जीजा जी तो भरल जवानी में बेसहारा हो गए नी। छोटन बच्चा के कौन खियाई, कौन पियाई, कौन चुताई? आई हो दादा। ऐसा काहे बोला दादा भैया? जीजा जी के हमरा रहते ये घर के खुशी केहू नहीं के छीन सकत। अगर जीजा जी चाहिए तो हम इनका दोनों बच्चा के मौसी से महतारी बने खातिर तैयार बनी। वाह, एकदम सही बात हो। वाह, रवा जैसा त्यागी दुनिया में केहू ना होगी, केहू ना होगी। जीजा जी, रवा हमार दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो जाई। चुपा, अभी जा लोग नहीं, चुपचाप यहाँ से जा लोग नहीं, जा। चला दीदी, चला भैया, चला अभी जीजा जी के चल ठीक नहीं खेला, बात में हो सकता है बाहर ही बल्ले। चला चला, हाँ चला लोग। हे नाग देवता, ये जालिम सबन से अब रहुए ही घर के बचा सके नहीं, कृपा करिया। छोटन बच्चा के कौन खियाई, कौन पियाई, कौन चुताई? आई हो दादा। ये घर के खुशी क्यों नहीं के छीन सकत? अगर जीजा जी चाहिए तो हम इनका दोनों बच्चा के मौसी से महतारी बने खातिर तैयार बनी। एकदम सही बात हो। जीजा जी, रवा हमार दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो जाई। नवले बानी, कब तलक दीदी के याद में ए तरह तड़पत रहब? सनीचरी। हाँ जीजा जी। पकावन ठीक कहत रहे, दोनों बच्चा के माई के जरूरत बा। हमने की चाहत कि हमार बच्चा सबके अनाथ के जिंदगी जिए के पड़े। का तू हमारा बच्चा सबके माई बने के तैयार बाड़ू? काहे न जीजा जी, हम राव और राउर दोनों बच्चा के जिंदगी भर ख्याल रखब, इतना प्यार दे कि दीदी के याद कबो ना आई। तो जीजा जी काहे कहत रहू, आज से तू हमरा खातिर हमारी यशोदा पढ़ू, आज से तू हमारे दोनों बच्चा के माई हो। सनीचरी, मौसी और मतारी में कोनो अंतर ना होखे, आज से हमारे दोनों बच्चा के हमरा कभी यशोदा के कमी ना। हम तो ऐसा ख्याल रखब कि तोहार जिंदगी के नरक बना दे। अब ई घर के असली मालकिन हम हैं। हे भगवान, कैसन जमाना आ गई। हम पहले स्टेट के मैनेजर रहनी, आज घास छिलता नहीं। कार्य असिस्टेंट वा कहाँ बने रे? हम एने बानी मैनेजर साहेब। कहा काहे चिलात बानी? का कही, कबो हम स्टेट के मैनेजर रहनी अते असिस्टेंट मैनेजर रहले।
ऐसा भगवान समय बदल दिलन कि आज हमनी के घास काटे पानी हौ देखौ गोबर काढ़े वाला अनपढ़ गवार अब स्टेट के मालिक हो गई बा उल्टा पेपर पढ़ता उल्टा की सरकार एने आओ आगे नहीं सरकार आगे हम बोली सरकार बुलल जा का हाल बा देश की सरकार पेपर रहुआ पढ़ता नहीं और देश के बारे में हमरा से पूछता नहीं सरकार पेपर वा उल्टा बा ये हमार मजाक उड़ा होता है आता ना जूता मारा के कपार पर से केस उड़ जाए ले पकड़ पढ़ कर सुनाओ हाँ हाँ पढ़ी 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 मैनेजर साहब पढ़ के सुनाई सरकार के सरकार खाली अंग्रेजी अखबार पढ़ी नेनू पढ़ा तरह के दो चार लपड़ दी तोरा के पढ़ा तनी रामगढ़ जिले में दो भाइयों ने अपनी बहन की सारी संपत्ति हड़पने के लिए अपनी चचेरी बहन की हत्या करके अपने बहनोई से करवा दी और शादी के बाद अपने बहनोई का भी हत्या का प्लानिंग किया पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ के लात जूता डंडों से इतनी पिटाई की कि उसका हौगल मुतल सब बंद हो हमने के खबर अखबार में कैसे छप गए सरकार लोग माथे पे हाथ धर के क्रिया खा के कहता नहीं सरकार अगर रउआ के नहीं के विश्वास तो रउआ पेपर में पढ़ के खुदे देख ली सरकार अरे सरकार अगर पढ़ल लिखल रहती तो खुद ही ना पढ़ लेती फाड़ के फेंक दे सनी अखबार के और ध्यान रहे ये हवेली में कोनो अखबार उखबार ना आवे के चाहे जा सना अपन अपन काम करा सर जी सरकार चलो चलो, चलो, चलो असिस्टेंट शिवा एक घंटा पहले तोरा के जूता लावे के कहले इतना देर काहे भइल रे मामो बड़का मामा के साबुन लगा के नहावत रहनी हो जबान लड़ावत रे जबान लड़ावत रे हमरा से बोल काहे देर भइल अरे मामा बोल रे भाई कसम से मामा हम नहावत रहनी हो मामा मत मारा हमरा छोड़ दे रे छोड़ पड़ रे के माफ कर दे मामा छोड़ दे हमरा के छोड़ दे तोरा के जूतवा कौन पहने रे तोर बाप जल्दी पहनाओ हम पहनाओ तेरी मामा अरे बाप पैर में नाखून गड़ा दे ले की मासूम पे कितना अत्याचार हो रहल बा जे घर के मालिक बा ओकरे के नौकर बना के रख देले बाड़े सन और जे घर के नौकर बा आज मालिक बन के राज करता मामा बड़का मामा के बचा ले बड़का मामा छोटका मामा हमरा के बहुत मारत तेरे मामा बिना पूछले कमरा में घुस गई ले हां तेल लगा पे खा छोड़ दे चल ना तेल भैया मारा एक रखे मारा भैया जोर से मार
के लिए छुटकारा मिल जाए। चल पैर दो। रुक जा, आज ला काफी बा। ए जोतिया, लेंगे जेब्रा। चलो माँ क्या से? चल 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 चल। बैठा बैठा। दीदी यार, जब तक एकनी के ठोकाई ना करे लनु, हमारे हाथ के खुजल ये ना मिटेला। अरे ये तो कुछ दिन के बाद बा, फिर ता हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए ये सबसे। छोड़ दे मेरा बच्चा के। छोड़ दे मेरा बच्चा के। फिर बुढ़वा से लगल बा। अरे का मरद से हमरा बच्चा के बुढ़वा के फिर मरमत करे के पड़ी। चल हमर दोनों बेटा बेटी के छोड़ दे। काय मरद रे हमर बेटा के, हमर बेटा के छोड़ दे। हमर बाल बच्चा के काय मरद रे, काय मरद रे। बचाओ हमर बाल बच्चा के, बचाओ हमर बाल बच्चा के, छोड़ दे हमर बुढ़वा रे। बुढ़वा से लगल रे, हम के पागल हो गेल बा। अरे ठीक करे पड़ी। लेकिन अब चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं खेली जाए। वसीयत ट्रांसफर करे के तो लड़का की उम्र अब हो गई बा। बस कुछ ही दिन के बाद बा, जौना दिन तोर लड़का इस संपत्ति हमनी के नामे कर दी ना, वही दिन तोरा साथे साथे तोर बेटा और तोर बेटी के भी ट्रांसफर हो जाए। रे भगवान, वो दिन याद कर जब दोनी के खाए के वो दाना ना रहे, ये काली पानी दोनी के सरल दिले रहे। ये काली पानी वो दिन भोर बनाएगी नजर रहे। तके कहले रहे बिरनी के खोता में हाथ डाले की, अब शरण दे लता होगा होगा होगा। ये कोनी के हमारे बाल बच्चे के 20 साल से धोनी के हमरा के अपन बाल बच्चे से दूर रखले बड़े। रे तू धोनी के सौतेली मतारी आई, तोरा दिल में दया नहीं के। रेम पति है तुहार पति, पति है तुहार। तुमरा से शादी हम तुहार लड़का खिलावे खाती ना कहले रहे, बल्कि तुहार प्रॉपर्टी खाती कहले बानी। हमार नाम सनिचरी है सनिचरी। जौना घर में कदम रखे ली ना, ओ घर में सनिचर ग्रह लग जाला। अरे तुहरा जैसा बुढ़ा से शादी करके ता हम खुद पछताता नहीं। और हाँ, अब तू तीनों जने के मिलन ना ऊपर परलोके में होगी। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर अब की बेर चले ले ना तो मुंह में सफरा ठूस के उल्टा लटका के मारब। का बुझले? चल रहे भैया, चल रहे दीदी, चल भैया, चल चल रे मर बाल बच्चा के मत बोलिए सर, मत बोलिए सर। के डर से बेटा के नाम से वसीयत कर देले। ओके के मत बोलिए सर। भगवान, हमर बाल बच्चा के रक्षा करी। कितना मरले बड़े सामरा भैया के, बहुत दर्द होता ना भैया। मार खात खात पूरे देह पर ठेला पड़ गई बजती। हमरा अपना घाव के दर्द देखे हो, जब मेरी के तारा ऊपर अत्याचार करे हो सुना, तो कसम से खाली जा फाशला। हम कैसे न भागा भाई मानी, अपन बहिर के रक्षा भी देखे कर पावो। रुआ मत भैया, रुआ मत। एक दिन भगवान हमने की भी जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। सब सोच के नहीं सर,
हम जाता रही तारा के कुछ खाए के लेके आ। ना भैया तू मत जा, यदि केहू तारा के ऊंचा देख ले तो फिर तारा के सब मरिए सब। मत जा भैया, हम अपन आंसू पी के अपन पेट भर ले। मत तू मत जा, तू मत जा। ओकरी के सूत के लिए संजोती भैया, हम तारा खातिर कुछ लेके आवत हनी। ना भैया हम अभी आवत हनी। मत जा, तारा ला खाना हम लेके आवत हनी। ज्योति तीन दिन से भूखे पड़ू तू। पेपर सब तैयार हो गल नो पकावन। अरे भैया वकील से मिलके एक हफ्ता पहले ही हम प्रॉपर्टी के सारा पेपर तैयार करवा ले रहनी। शिवा के 24 साल के होखे में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गई बा। 3 दिन बाद ओकर अंगूठा के निशान लेहला के बाद दोनों भाई बहन के गाड़ी में बैठा के पहाड़ी से नीचे फेंक देवे के बाद बाकी लोग यह समझी कि दोनों एक्सीडेंट में मर गए। मतलब कि हमने के 20 साल के तपस्या के फल 3 दिन में मिल जाए। एक के मतलब कि सारा संपत्ति पर हमने के राज हो जाए। ये कैसा आवाज आए? देखा देखा पकावन भैया, देख क्या बता देखा। हाय देखो घर में चोरी कर रहा है मामा। चोरी ना कर। हाय देखो भैया अभी घर में चोरियों करे लगा। अरे क्या कर रहे सुहानी मेरे? एक करता हाथ गोड़ बांध के गतरे गतरे लोहा से धागे के पड़ मामा। हम चोरी ना कर रहे नहीं मामा। चोरिया 3 दिन से भूखे पिया। ए मामा अगर हमारा के खाना ना दे बना तो हम सौ ले दिन पे खाना खाइबो सन तई तो हवेली बिका जाई रे। आज के बाद तोहनी के हफ्ता में सिर्फ 2 दिन खाना मिली। और आ रे जौन हमनी के बतियावत रही जा ते सुन ले है कहा मामा। हम कुछ ना सुन रही हूँ बाबा। ना सुन ले ना बाबा। पक्का? हाँ। आप बड़े बाबा। कर मुंह खुलवाने के तरीका हमारा पक्का से आवे ना। हटा। चोरी कर बे? हमार घर में चोरी कर बे? बोल, बोल चोरी। चोरी करे ना सिंगे ले हाँ? हाँ? मार मार के आपका ठीक कर दे हम। चोरी कर बे? बोल। आओ दे। आओ दे। आओ दे। आओ दे। मैं तेरे कोल पे गया तो नहीं मैं मुझे यहाँ की चोर। आओ दे। मैं कहाँ से आवे ले? चोर मन की ना चोर। आओ काम के दुश्मन अनाज के सहारा मूड खराब कर दलन सर। चल दे दे चल चल बहुत तेज भूख लागल बा। भैया कलर लेना की मत जा, हमार भूख तरह तकलीफ से ज्यादा नहीं के। सरकार इली दोनों आदमी खाना खा लिया जा। तू हमरा के छोटे सरकार काहे कहला? ते घर के नौकर है ना सरकार, ये घर के असली मालिक तो रहुआ है सरकार। ये झूठा बिल्कुल झूठा। ये झूठ ना सरकार, ये साच बा। ये घर के लालच में रौर सौतेली मतारी और दोनों मामा राक्षस हो गई बा। रउआ लोग के मारे के प्लानिंग बनौले बा। हम कहे कि रउआ दोनों आदमी एतही से कहीं भाग जाई लो, भाग जाई एतही से ये घर छोड़ के। भाग के कहाँ जाई मरे से चाचा? एक मेरी भागे की कोशिश कैले रही मामा मार के हमार टंगरी तोड़ देलन। अब हमनी के ना बच पाई ज्योति। रउआ लोगन के केहू तरह भागे के पड़ी सरकार, ना तो कभो भी आके रउआ लोगन के मार सकत रहसन सरकार। मैनेजर चाचा सही कहत रे भैया,
इजा रख के मार खाइल से अच्छा बा कि हमने कहीं कहीं दूर चल जाओ, कहीं ना कहीं क्यों ना क्यों हमने के जरूर मिल जाए। चला चला बेजा ना रह जाए। चला रवा खाना तो खाली सरकार, दोनों आदमी खाना तो खाली लोगी। अतना मार खाइले बारी मैनेजर चाचा, तुम्हारे से पेट भर गइल बा। चला ज्योति नाग देवता ई लोगिन के रक्षा करिए। अरे मैनेजरा जी सरकार, सच सच बताओ शिवा के कहां भगले बारे? हमरा कहां पता बा सरकार, हमरा तो रोगवा लोगिन के चमचागिरी कैला से फुर्सत कहां बा। हम तो रोगवा लोगिन के मुड़ी पे हाथ रख के क्रिया खाता नहीं सरकार, अगर हम झूठ बोलत होखी तो रउआ लोगन के कोड़ फूट जाई, आग बह जाई। माने हमार सरकार एकरा के छोड़ा भैया, ई दल बदलवा के का पता होगे, ऊ बुढ़वा के जरूर पता होगे। तू ठीक कहता रे, बुढ़वे के टैग करके परे। हाँ भैया। अरे मैनेजरा जी सरकार, जैसे ही सेवा के पता चली हमनी के खबर करिए। चलो चलो बढ़िया से मरम्मत कर दे, तब बताई की कहां भागले बा। अरे काली पांडे, तोहार बेटा बेटी हमने के धोखा देके भाग गए। बोल कहाँ गए तोहार बेटा बेटी? भाग गए की तो निको करके मार देला सन। एगो बात कान खोल के सुन ले, अगर हमार बेटा बेटी है कुछ हो गई लू तो तोहनी का जिंदा ना छोड़े। अभी तक ओकनी के मार ले नहीं की जा हमने के, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तोर जे बेटा बाना अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं कर गई। सराफत से पूछा था ओकनी के पता बता दे, वरना एक टंगवा से ता लंगड़ कई ले ही बनी, दूसर को टंगवा तोड़ के लंगड़ कर दे। ना बताए हम चार आदमियों के मते, ना बताए कि हमारे बेटा बेटी कहाँ गई था। बहुत अच्छा भाई के तो नहीं जैसे राक्षस के चंगुल से उकनी के छुटकारा मिल गई। एकरा मरला से कोनो फायदा नहीं खे, पहले वो दोनों भाई बहन के ढूंढल जरूरी बा, एकरा से तो बाद में निपटल जाए। क्या करे सारी तेरी छोड़ का के, पहले शिवा के पता लगाओ। चल 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 चल, हमनी से बच के दोनों भाई बहन कहाँ जाए? भैया हमने के कहाँ चल जाए? भैया हमने के तो क्यों नहीं खे, कोनो कोनो रास्ता नजर नहीं खे आवत। चिंता मत कर ज्योति, हम बानी नो नाग देवता जरूर कोनो ना कोनो रास्ता देखाई है, भरोसा रख ज्योति सब ठीक हो जाए। जंगल में इतना सुंदर नहीं है, टॉर्च ले कर
झाड़ू ना। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नगीना भैया, ज्योति के हो ये लोग, ये हालत के बनाई लस। अरे माई, ये लोग यहाँ पे नया हो, बस यही से कुछ गुंडा लोग आके रखे हैं, परेशान करते हैं। बस ऐसा मार मरली ना उन लोगों को, नाम नहीं याद आ रहा। तोहनी की कहाँ की बाड़ा चाची? चाची की है जा, हम सिवा आई हमार बहन ज्योति ही है। मामा असौतेली महतारी के अत्याचार से हमने के घर से भाग गई नहीं जा। ए दुनिया में हमने दोनों भाई बहन के अलावा हमने की केहू नहीं के। ऐसा मत बोला बाबू, ऐसा मत बोला। तू दोनों जने आज से हमरा के अपन माई समझा। तोनी के ऐसा करा, हमार घर ना ए जाबा, ओई जा चल के बात कहल जाए। माई का अगर तू कहा तो रांची इनका घरे जाके इनका मामा मामी के ठीक करके आई का। चुप, बड़ी भचर भचर बोला तारू तू। अरे तोहरा के हाथ और लात के अलावा और कुछ आवे लगा? माई आज के दुनिया में ना लोग खाली लात जूता के ही भाषा समझे ला। चुप चाप चल घर। भचर भचर कर। ए तू का मौगा लेखा चला ताड़ा? हाँ तनी मत लेखा चला, चल ऐसे। अरे तनी बढ़िया से लगाओ जूती। हाँ लगा। का हो गई तोरा हाथ में? हेन लगा। अरे हेनिया रे, हाथ में दम नहीं काट तोरा, का हो गई तोरा? हम ज्योति ना नगीना है। दो बिना कपड़ा के तो तू बड़ा सुंदर लागत है। हां हमर कपड़ा दो, हमरा लाज लागत है। कैसन मरद बाड़ा? हां एगो लेकी से ल जाता रह, हम तोरा के कपड़ा पहरा देता नहीं। काहे का पता ना हां तारा हाथ में करंट बा सटत तो लगत के परान निकल जाए। तो सिर्फ हाथ सटवे तो तुहार ई हाल हो करता। सोचा जब तार से तार सटी तो तुहार का हाल होगी। हाँ बाप रे बाप, आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो तनी सटावे ना आपन तार से तार, हम तो देखी कैसे हो करता। चुमा के बहाने तो काट लबा।
भैया तनी हमरो के पानी पिया दे। आओ दो। भैया हाँ? पानी और आ गई। हाँ हाँ। भैया बोल। जब से ज्योति घर में आई भैया देखा था नहीं कि तोहर काम में मन नहीं खेलागत। कहता माई से बात चलाई का बोला बोल। मारे का मुहर तोड़ दे। कुछ भी कहा भैया भौजी बड़ी नीमन भैया। रुक 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 मार के तारा एकदम सॉलिड। रुक रुक अरे 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 ढेर बोल बोल तो माई से कह दे तो मार के तारा तोड़ दे। सुन ले नगिन में माई से कुछ कहने की पाई ना होई। पता तो ना चलल सरकार लेकिन एक मौका और दी जिंदा या मुर्दा रहुआ कदमों में लाके हम डाल दे। मुर्दा ना रे कुत्ता जिंदा जिंदा चाहिए हमरा जिंदा। ठीक बात सरकार जिंदा ओकरा हम जिंदा लेके आई। चला सरे गाड़ी निकाला सन। इतना आदमी से काम ना चली पागड़ भाई सरकार और आदमी के लेके जाए का। जितना आदमी चाहिए उतना आदमी लेके जो लेकिन ओकरा के हमर नजर के सामने लेके आओ। चल सन जल्दी चला सन चला सन चला। जे कहे के बहू कहे दो हमरा दुनिया से कोनो डर नहीं एगो चिन्ना दो ना। छा कोई बात मैंने बुझी प्यार में तोहरा नहीं खे डियर हमरा तनी को रुचि छोड़ा हमार पीछा कोई बात मैंने बुझी प्यार में तोहरा नहीं खे डियर हमरा तनी को रुचि नहीं नहीं कहीं के तू कहीं आले दरबा नहीं नहीं कहीं के तू कहीं आले दरबा बिया के रखा हो जाई कुछ गड़बड़ अगले मजा जन तू चाखा हो आज नहीं मानम पिया कितना मानम
उहे करम करबा बियाहवा के बाद आखिर उहे करम करबा ता करबा आर अभिन कके रहा साबर हो चौभर चौभर करे वाला हो इना हम लवर हो यह कोई सोची सोची कहीं आले दरबा यह कोई सोची सोची कहीं आले दरबा बिया हवा के बाद आखिर उहे करम करबा बिया हवा के बाद आखिर उहे करम करबा हो करबा समझला कि ना हो दिलबर जानी हमें तोरा से एगो बात करे के बा अरे माई बोले ना चाची सीमा जो बेटा तोहार तो कोनो गार्जियन नहीं खे अरे चाची ऐसन काहे कहतर हमनी सब के गार्जियन तो तू ही न बाड़ू त एगो बात कही हाँ कहो ना मन बानू हाँ चाची बोला त ठीक बा हम तोहनी चारों के बियाह करे के चाहता नहीं का विचार बा का माई नेकी और पूछ पूछ हां का जी रवा के ये रिश्ता मंजूर बनो का हो तोहर का विचार बा Thank you.
प्रणाम सरकार, प्रणाम सरकार। हाँ जी सरकार, शिवा के पता चल गई। कहा भैया, शिवा के पता चल गई? तो टेंशन दूर हो गए। पूछ पूछ कहाँ बारे? ए कहाँ बा शिवा? ये डाल्टनगंज में बा, एगो बंजारन के घर में, जानकी देवी नाम होकर ओकरे घर में रहला। शिवा ज्योति का बियाह होके जाता है। बियाह ना, अकनी के श्राद्ध करब हम श्राद्ध। 10-12 आदमी जितना हो सके लेके जाओ और अकनी के पकड़ के नजर के सामने लेके आओ हमरा। ठीक है सरकार। याद रहे, जे भी ओकरा बचावे खातिर आई ना, ओकरा के जिंदा काट दी है। मालिक, मालिक, उठी मालिक। का बात हुआ मैनेजर साहब? खाना खा ले जाओ मालिक। ना मैनेजर साहब, हमरा भूख नहीं के। बड़े मालिक, एक बड़ा खुशी के बात बा। का? छोटे सरकार अज्योति दोनों जने जिंदा बा लोग। का? ये तो का कहता मैनेजर साहब? ठीक कहता नहीं। हमार बेटा बेटी जिंदा बा? तू कहीं मजाक तो नहीं उड़ावत? ना सरकार, हम कसम खा के कहता नहीं, हम मजाक अपने से नहीं की करत। उ दोनों जन जिंदा बा लोग। हमार बेटा बेटी जिंदा बा? हमार बेटा बेटी जिंदा बा? हम तेरे के हाथ जोड़ता नहीं मैनेजर साहब। हमरे बेटा बेटी से हमरे के घर मिलवाता,
हमरा के मिलवा द मां जुड़ा तानी तोरा सामने मैनेजर साहब। ठीक बा बड़े मालिक, जब समय आ जाई ठीक समय पे वो दोनों जने से हम रउआ के मिलवा दे। सरकार हम जाता नहीं ना तो वो दोनों हमरा के मरिए सन। रउआ खाना खा ले मालिक, हमार क्रिया। अरे मैनेजर आवता नहीं, हमारे बेटे बेटी चिंता बा, चिंता बा हमारे बेटे बेटी। यशोदा तुहार बेटा बेटी जिंदा बा, जिंदा बा तुहार बेटा बेटी। जय नाग देवता की, बेटा बेटी जिंदा बा। I'm
मारे एगो सांप हमनी के सार आदमी के मुंह आदलस ये कैसे हो सकेला भैया तू कोनो साधारण सांप नहीं बुझा हां भैया हमरा त बुझाता कि 20 साल पहले जौन सांप उ बच्चा लोगन के जिंदगी बचवले थेना हो ना हो ई उहे सांप होखे हां मलकिनी उ सांप ई लोग के कुल देवता हवे हमरा त लागता कि उ सांप रोगा लोगन के कहीं काम तमाम ना कर देवे हमरा तो सांपे से बहुते डर लागेला भैया कोनो तांत्रिक मांत्रिक होके तो बुलाई जान बा तो जहान बा तांत्रिक के पता हमरा लगे बा सरकार कहीं तो हम बताई बोल बोल जल्दी बोल सरकार एगो बाबा 20 साल से समंदर किनारे तपस्या करत बाड़े उनका के देखते सांप बिल्ली में घुस जाला कहीं तो रउआ लोग के लेके चली हम पकावन हमरा विचार से ओकरा लगल चल जाओ चलो आवा आई सरकार की हमें पाकिस्तानी बाबा पाकिस्तान से भाग के आइल बड़े प्रणाम पाकिस्तानी बाबा यह कहे सरकार उतांत्री प्रणाम बाबा इनका डर से सब सांप बिल में घुस जाला इहवे के रउआ लोग के जान बचा सकेली कौन है ये लोग और हमसे क्या चाहते हैं बाबा बाबा हमने के रांची स्टेट के मालिक है बाबा एगो सांप के कारण हमरी बड़ा परेशान है बाबा हमने के जहाँ जहाँ जात बानी वही जा पहुँच जाता बाबा हमने के खाल पियल हकल मुतल सब बंद हो गल बा जब ये लोग सांप से बच जाई तो रांची स्टेट के असली मालिक के खून कह के मगर सारा धन संपत्ति हड़प के तब मालिक बन जाए लोग दूसरा के सामने ये सब बात कहल जाएगा चल खरे तुरे के बता बता बाबा अरे वो नाग नागिन से हमनी के बचा लिए बाबा अरे वो नाग नागिन हमनी के जेल दुश्वार कइले बाड़न सो एक बार ओकनी से हमनी के जिंदगी बचा ली फिर रउआ जितना कहब उतना पैसा रउआ के देवे खातिर तैयार बानी बाबा कबो जीभ निकाल के डरवावता तो कबो मुंह से आग निकाल के हमनी के डरवा रहल बा ए बाबा बस एक बार उस सांप से मुक्ति दिलवा दी बाबा ऐसा कौन सा सांप है जिससे तुम लोग परेशान हो मैं उस सांप को देखना चाहता हूँ हाँ बाबा चली ना हमने के साथ दिखा देता नहीं चली गैल्टनगंज बाबा चली 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 ए चलो वो सांप गैल्टनगंज में मिले बाबा इतना मेहनत करला के बाद बस इतना ही कमाई भइल अरे कौन है लो अरे भांजा हमने तहरा के कहां कहां ना खोज ली कहां भाग गए रहले हमार हाथ बड़ा दिन से खुजलात रहे बहुत दिन हो गल रहे तोहर पिटाई कैला छोड़ हमनी के रास्ता ए पकड़ ला सने के छोड़ छोड़ हमरा बहन तैयार बनी मामा वाह वाह वाह
पहला बेर हमार भगीना बड़ा अकलमंदी के बात कहले बा। अरे भैया, अरे लगवावे एकरा संग उठा कागज पे, अभी लगवा लगा। भैया अब हमनी के करोड़पति हो गई नहीं जा। करोड़पति ना भाई, अरे पति हो गई भैया। बुझाता अपने छोटे सरकार के एकनी के मार दी है सर। अब एकनी के का कहिल जाओ, एकनी के करोड़ छिड़क के आग लगा जाओ। ओ नाग और नागिन कहाँ है? अरे इन्हीं के जल के मौत जाए और नाग और नागिन के खोद के निकाल दे हम जा। अरे पेट्रोल छिड़का सर, कारे बने जर है नहीं सरकार, वो जर के मरे के बाकी चले के ना सरकार, हम तो रोवे पार्टी के बने चली चल 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 हे नाग देवता ये लोग के रखे हैं तेरे। निभाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जान बची है उसका बदला हमें लेना पड़ेगा। हाँ नागेश, इन पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए इनका अंत करना जरूरी है। हाय देखा जीजा जी, तो हर बेटा के अंगूठा के छाप हमने के ले ले लेबानी। अब तो हार पूरा संपत्ति के मालिक हमने के बानी। एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा जीजा, तोर बेटा बेटी के हमने के मार देने जा। बड़ा मन रहे ना तोर अपना बेटा बेटी से मिले के। तोरो सपना पूरा हो जाए, सपना तो पूरा हो ही है। रुक जाए सरकार, रुक जाए। और देखी पेपर पर जाए मुठा के निशान उड़ गए बा। तो सच हूँ, अंगूठा के निशान मिट गई। दादा ये कैसे मिट गई? पकावन तू पक्का निशान ले ले डाला ना? अरे हम सच हूँ अंगूठा के निशान ले ले रहनी। ए भैया, हमनी के तो फिर से भिखारी के भिखारिया रह गई हो, और अब का होई? अरे भैया, हाथ पे हाथ धरे का समय नहीं है। हम तो कहा था नहीं कि हमारे बात मानो, गाड़ी निकाला चला डाल्टनगंज। शिवा के बचावल बहुत जरूरी बात। बीस साल के तपस्या पे पानी फिर जाई। हाँ ठीक है दादा। देखी सरकार, अभी तक ले तो उलट डर के मर गई होगी, फिर अंगूठा केकरा से लगवाई? कम से कम होकर हाथ तो मिल जाए, ना तो हमने के बर्बाद हो जाए। बहस मत करी, जल्दी चली, ना तो फिर से झाड़ू पूजा करेगी पड़ी। अरे भैया पहला पेपर चला, जल्दी गाड़ी चालू करा, सीधा अंगूठा लेवल पहुँच मार देवा। चिंता मत करी माली, रोवा चिंता मत करी। भाई देखी पेपर पर से अंगूठा के निशान मिट गई, नाग देवता के सब चमत्कार बा, हमरा विश्वास बा माली, उ लोग जहाँ भी हुई एकदम सही सलामत हुई। जय हो नाग देवता,
हमारे छोटे सरकार के रक्षा करब, हमार बाल बच्चा के रक्षा करिया नाग देवता। शिवा महाराज आई तो आप चल 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 अब बैठ जल्दी गाड़ी में जल्दी बैठ जल्दी मामा। अब हमनी के घर छोड़ के कब्बो न जाइब जा पकावन। अरे कहीं सपना तो न देखता नी? हाँ भैया ऐसा नहीं बुझाता। अरे तेरी दांती काटता ये कहाँ दांत काटे के खेल खेलता डालो। ये सपना ना सही है, हटा देखता हमार बेटा हमार बाबू घरे आ गई। अब हम तोनी के छोड़ के कहीं न जाइब माई। तोरे बिना हमार रो रो के बुरा हाल हो गेल रहे बेटा। ये तो हाथ पतो है। कितना सुंदर पिया हमार पुतो। दोनों मामा हमरा के बहुत मरले हैं, बहुत दुखाता। बहुत दुखाता? ये दोनों के हाथ में तो कोट फूट जाई। हमार बेटा के कितना बेरहमी से पिटलस हा। ई दुनू ना अगर अगली बार तोहरा के बेरहमी से पिटलस ना तो तू हमरा के बताइया ई दुनू के हाथ पैर तोड़ दे। अरे भगीना माफ करता भगीना, हाथ जोड़ता नहीं क्रिया खा के कहता नहीं, आज के बाद कबो तोरा पे हाथ ना उठाई। हाँ भगीना ए भैया तने ए भगना हमरा के माफ कर दे भगना, अब तोरा पर कहियो ना हाथ उठाई। ले भगना ये कागज पर जल्दी से अंगूठा लगा दे। अरे आता ना जल्दी काबा मामा आ गइल बानी जानो, खाना उना खइला के बाद ए माई हमरा बहुत जोर भूख लागल बा, खाना उना ना खेबू। हां हां बेटा पहले खाना वाना खाला फिर अंगूठा लगा दिया। चला चला तू चला बहू। चला चला आओ ना चला चला भगना खाना उना खा ले। हे भगवान लाउर लीला परंपार घर के चिराग के बचा ले। जय हो नाग देवता जय हो नाग देवता। मालिक मालिक अरे है देखिए हम केकरा के लेके आयल बानी। उठी मालिक छोटे सरकार है मैनेजर साहब। राउर बेटा बेटा छोटे सरकार भाई राउर पतो बड़ी नगीना का हमार बेटा। शिवा जी तू कहा चल गिरला हमरा के छोड़ के बाबू, कहा चल गिरला हमरा के छोड़ के। कहा चल गिरला हम तो रखे का गाना खोजनी। 20 साल के बाद तो रखे करजा से लगे नहीं है बेटा, करजा में ठंडक पड़ गई। अब तू हमरे के छोड़ के कहीं ना नहीं जीबा बाबू, हमार बेटा अब हमरे छोड़ के कहीं ना नहीं जीबा। ना बाबू जी ज्योतिया कैसन दिया बाबिया एकदम ठीक दिया बाबू जी, ओकर शादी हो गई। का हाँ बहुत जल्दी रुआ से मिले खातिर आई। अच्छा रोई मत बाबूजी, अब हम आ गिरी ना बहुत याद आत रहे। हाथ से वो चालीम सा बन के रोई के दिन शुरू हो गए बाबूजी। कहाँ मर गई कहाँ चल गए लोग। बुढ़वा के साथ लेके आ गई। हे
बेटा ये तो हर बाबूजी बाड़न। हमार बाबूजी से मुलाकात भइल। देखा ना घरे में घुसे रहेलन, कितना कहली कि बाहर भीतर आई जाई, पर हमार बतिये ना माने ले। कितना बार जीजा जी के कहले जा कि बाहर निकलल कर, घूमल फिरल कर, लेकिन ही हमने के बतिये ना माने लन ता। चुप बेटा, इस सब झूठ बोलता रहा सर, इतार मतारी नहीं के डाइनी और डाइन बीस साल से तोरा जबरा के दूर रख ले बड़ा सर, 20 साल ले ये घर में बंद करके जानवर ले कमरा के रख ले बड़ा सर। बेटा देखने की बात पर भरोसा मत करिए बेटा, चलो हम ये कहीं दूर चले जाइए ना, तो तोरा के मार दिया सन बेटा, फिर जबरा से तोरा के छीन लिया सन बेटा। जय जी बाबूजी, रहुआ हमरा के मिल गई ना, अब हमरा कुछ न चाहिए, इशारा धन संपत्ति लोग के देखे हमने के कहीं दूर चल चले के। चला नगीना बाबूजी के तनी बाहर ले जाता हूँ। चले बाबूजी। सुना बेटा, चाहे दी बाबूजी चले। चलने के डाइट है वो सर, अच्छा से वो सर, जल्दी आओ बेटा। बेटा आओ बैठ, खाना खाला, भूख लागल होई ना, हम परोसा तानी ना माई। मामा ले आओ पेपर, हम अंगूठा लगावे खातिर तैयार हैं। भगना यही जो अंगूठा लगावे भैया स्टैंप दादा। अरे ये क्या कर लेते, इतना हिम्मत करते कागज फाड़ दे ले। कि तू हमरा भाई पे हाथ उठे। बड़े मालिक छोटे सरकार, कितना सुंदर पतो हो लेके आयल बानी, देखला पे मियाज खुश हो जाता। बड़े मालिक जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे बचा ले जीजा जी, अरे बचा ले जीजा जी, हमरा के बचा ले जीजा जी, हमरा के बचा ले, अरे उसी में हमरा के बहुत पारा था जीजा जी, अरे बचा ले जीजा जी, हमार जान बचा, हमार बाबू जी पेपर कौन सा हमारा पास बचाई हमने के, हम हाथ जोड़े ताने रवा से बचाई हमने के, देखी हमार भाई के अरे बाबा के साथ आ रहा हूँ, अरे बाबा के मार में तो पागल है, आज लाए इतने काफी बाइक निके। अरे जा जा जा, बोली सरकार इन्हीं के पूरा कपड़ा गहना उतार दी, ठीक बात, और वही कपड़ा दी जौन कपड़ा पहन के पहल का मरतबा एक घर में आ जाओ जी, अगर ना उतार सन घंटा मार के उतर। बुलावन बाबू तेरी जल्दी कपड़वा खोली तो हे पकवन जल्दी कर रे, जल्दी खोल जल्दी। आज हमरा करे छ में ठंडक पड़ गई, बड़ा दुख दिल रहा सैनिकनी के बेटा, आज मन खुश हो गई बेटा, आज तो हर माई की आत्मा बहुत खुश हो गई तोहरा के रूप में देख के। बाबूजी बहुत खुश हो गई। भैया आज पता चलो कि समय कैसे बदल जाला। समय हमने के नेखे बदल हो पकावन, हमार सीवा बदल गई, पता नहीं ओकरा में कौन सा शक्ति सब आ गई।
कि हमनी के धोबी के कपड़ा के तरफ पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के धोबी पाट के तरफ मारला सा। ओ भैया ओ पता लगाबा भैया, काहे कि ई अपन सीमा नहीं खे बुझात। हमरा तो बुझाता कि जैसे सीमा में केहू दूसरा के आत्मा समा गइल बा। सही कहत रहो दीदी, सब पता चल जाई, सब पता चल जाई। लेकिन हमरा के बहुत जोर से भूख लगल बा बहिनी, अरे कुछ खाना उना खिलाएबू? चलो हम खाना खिलावत नहीं। हां हां जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो। अरे माई कहां जातर? तुहार मामा के भूख लागल बा बेटा, उनकरे खाना खिलावे ले जातानी। आता ना जल्दी जल्दी खाना खइबू त हमार त पूरा मोहल्ले बिका जाई। हफ्ता में सिर्फ 2 दिन खाना मिली। चलो चलो काम करो। अरे जा जा जा। ये छोड़ दे सरकार, इकनी के 3-3 दिन पर खाना दियो। जी सरकार। आज शाम के काम खत्म भइला के बाद इकनी के सूते के व्यवस्था सर्वेंट रूम में कर दियो। आ सुनो लो, अगर इस माहौल में कदम रखे की कोशिश कर लो तो टंगिया तोड़ दे। ना तो हमरा के नौकर के घर में नींद ना आई भगना ना आई। जब हमनी के एक घर के असली मालिक हो के 20 साल तक वो कमरा में सुतनी जाए तब तो हमनी के तब पैदाइशी भिखारी हवा सौ तो हमनी के नींद ना आई। चल भाग यहाँ से। ससुर वो सुतला से पहले ना आके हमार देह दबा दे, बिना देह दबाइले हमरा की नींद ना आवेला। आ जाइए हाँ जी। सुनी ना, हमरा के बाजारे ले चली ना, तनी हमरा ला नया नया कपड़ा कीन दी। हाँ हाँ काहे ना, आखिर तू ये स्टेट के मालकिन हो, चला कीन दे तनी। सासू माँ राती के आ जाइए, बिना तेल लगवाइले हमरा की नींद ना आवेला। एकरा के कहल जाला शेर पर सवा से। का रे भुलावन पाड़े, का कहत रहले हमनी के मैनेजर? आ आज के बाद से हमनी के मैनेजर साहब कहबसन। का कहबसन? मैनेजर साहब। हाँ ना तो कुछ और ही कह देला लोगिन तो मार के मुंह फोड़ दे। तोहनियो के बदल गेले, जेने देखले खीर ओने गेले फिर। अरे हमनियो के फिर समय आई, घबरा सन मत, आई समय आई। अरे ई तो संसार के नियम बा, जेकर पार्टी मजबूत होला ओकरा में ज्वाइन कर लियो जाला। पहले तोहनी के पार्टी मजबूत रहे तो तोहनी के संग रहनी। आज हमरा मालिक के पार्टी मजबूत बा तो अपन मालिक के संगे बानी। चल जल्दी काम करे, चल काम पर काम चल 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 जल्दी। ओइजा का खड़ा बानी, चले जल्दी आई, तेल लगा दी, चली। हमरा की नींद नहीं खियावत, आई जल्दी। वरना मार मार के टांग तोड़ दे। चल भाग।
तक का सोच ले बानी रउआ लोगन, हम तो कहतानी भाग जाए जा अपने गाँव में, ना ही घर में इज्जत बा ना प्रतिष्ठा बा, पतो हो के सास से दी दफावत पिया, मुंह में सतुआ सन ले बड़ा, बोल बा कुछ हो। अरे आगे सब ठीक हो जाए, इतना जल्दी हमने के हार मान ले, बहुत बेइज्जती कर लस, इतना जल्दी हमने के हार ना मानब तो का करबा, आज तक कुत्ता लेखा दौड़ा दौड़ा के मर लस, बिहारी चारों जने के चीता यही जा जरा दी, तब हमने के चीता जरावे से पहले हम ओकर चीता जरा दे, इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठला से काम ना चली, तो पता चल कि जोन संपत्ति बान हमने के हाथ से निकल गए। वो सब तो ठीक बा, भूख से जान निकल जाता, तीन तीन दिन पे खाना दे तो हम तो मर जाए, हम ना रहे भी घर में, तो का करी, हम तो हर बाप के घर जाए, भिखारी के बेटी, इतना मारम इतना मारम तोहरा के ना, बार बार तोहर बंद हो जाए, तो मारा ना, मारा, बोल बे, बोल बे दादा, बोल बे, बोल बे, जब तक कुत्ता जैसा लड़ रहे लालू, तुम खोल जाके ठेले पड़न जा, ई सोचे के चाहिए कि ओकनी के कैसे मारे के बा, कोनो उपाय सोचे के चाहिए तो जब देखा तब ढोंगो जे खेले पड़न जा, हम तो सोचा था नहीं कि कोनो तरीका से आज के रात ओकनी के हम मार दी। तो ठीक कहा तेरे पकावन, ना रही बांस ना बाजे बोसली, मार दे ओकनी के, मार दे, मार दे ओकनी के। सैया लाज लागे बोले में हो, पढ़ला अखिया के भाषा सैया लाज लागे बोले में, लाज लागे बोले में, लाज लागे बोले में, दिल के भेद खोले में, कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में, वो कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में, जब हमके मान लेले बाड़ो सजनवा, काहे सकुचाला तब गोरी तो हर मनवा, हाय जब हमके मान लेले बाड़ो सजनवा, कहे सकुचाला तब गोरी तो हर मनवा, कहे के चाहे तो से ढेर सारी बतिया, ना जाने कहे पिया धड़के ला छतिया, कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में,
रहे हाल हमरो बाटे सुन ए सजनिया प्यार बिन सुनावा हमार जिंदगनिया पूरा होई मन के आशा कहे लाज लागे बोले में हो पढ़ला पखिया के भाषा सैया लाज लागे बोले में लाज लागे बोले में लाज लागे बोले में दिल के भेद खोले में पढ़ला पखिया के भाषा सैया लाज लागे बोले कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में तू कहता रू कि घर छोड़ के चल जाएगा। अरे वाह, ऐसे कैसे घर छोड़ के चल जाएगा? तनिको दिमागे नहीं काका ना कहीं नहीं जाए घर खाते। बताओ भैया, वो दोनों के मारत मारत लेका से जवान कर देनी जा। और आज ये कहता रू कि घर छोड़ के चल जा। मर जाए भी घर में कबर खोदा जाए, लेकिन ये घर ना छोड़ा। अगर ये दोनों नाग नागिन हमें तासली सिवा कहाँ गए आखिर? सोचा हाँ पगवान, तू ठीक कहते बारे। सोच सोच जल्दी उपाय सोच, सही में असली सिवा कहाँ गए? हाँ ए भैया, हम तो कहता नहीं कि वो पाकिस्तानी बबुआ से मिलन जाओ। वही कोनो ना कोनो उपाय करी एकनी के मारे खातिर, चाहे हमनी के जितना पैसा लग जाए दिहल जाए, लेकिन वो पाकिस्तानी बबुआ के लेके आवल जाओ अपना हवेली में। हाँ भैया तू ठीक कहा था, तू ठीक कहा था बगावत। चला वही बबुआ यही नाग नागिन के पकड़ के ले जाए और असली जीवा के पता लगाए। दीदी अब तो हनी सामान नगिनी अपने जगह रखियो, रही हो बस जल्दी आवत के बबुआ के लेके आवत। नहीं जा दीदी, जल्दी भाई चल, माटी के तेल डाल के दुनू के जला के मार देहल जाए, सारा पहाड़ी खत्म हो जाए। हो गए नी लोग के दारू तो नहीं के पी ले ले बुटी नाथ देवता। जय हो नाथ देवता, जय हो। और समझ में आई ये लोग के काम तो तमाम हो गए। रहो बुलावन, अरे कहाँ बड़ा हो? कहाँ बात है मैनेजर साहब? तरह में रारू के और तारा बहिन के दोनों जने के साथ काट ले ले बा। अरे वो दोनों जन मर गई लो, जल्दी आवा जल्दी। गाड़ी पीछे कहाँ घुमा होता है? मालती और सरीचर के साथ काट ले ले। कहाँ? ए मैनेजर साहब, ये अकरा सब गैली सोन।
सांप घर के सत्यानाश को के रख दे ले रहा ठीक कहत है चुप 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 आवत ऐसरी जी हाय मालती होली के चोर के का चल गेलु भैया अरे का हो गए बर्बाद नगवा नगिनिया हमर दीदिया और भौजाई के मार चेपी ये कुल कले बना करिया बा करिया बा करा के छोड़ अपना के चुन चुन के मारा चुन चुन के मारा भाम बताओगे भी या रोते रहोगे बाबा अपने के बचा ले बाबा सीमा नगीना तो नहीं चधारी नाग नागिन हवे बाबा हमार बहिन हमार मेहरारू के काट के मुआ दिल से बाबा विश्वास देखे तो हमार भाई पकावर से पूछ ले बाबा एकदम सही कहता रे भोलावन भैया कबो उस सीमा नाग बन जात रहे तो कबो नगीना नागिन बन जात रहे बाबा अब रौरे अतरा भाई पाकिस्तानी बाबा हमने के जान बचा ली अपने की जान गई बानी जा क्यों दोनों नाग नागिन शिवा और नगीना के भेस में हमनी से बदला ले तरन सा ए बाबा वो हमर भौजाई और हमर बहिन के काट के मुआ देला से बाबा अब हमरा डर बा कहीं वो हमनियो दोनों के काट के मत मुआ दो सा अब चिंता नहीं करना है इसी नाग और नागिन के कारण मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था और मैं 20 सालों से इस नाग और नागिन के कारण रूप बदल बदल के भटक रहा हूँ अब मेरा सपना पूरा होगा इंशाल्लाह देखो भुलावन मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नाग नागिन से बचा सकता हूँ और तुम लोगों को शिवा के सारी संपत्ति का मालिक भी बना सकता हूँ लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा अरे दौलत खातिर तो हम कुछ कर सकीला अरे उहे हवेली खातिर तो हमर बहिन और हमर भौजाई के जान गए बाबा कहीं ना का करे के बा कुछ करे खातिर तैयार बानी बोले बोले झट है और हम चाहते हैं कि घाट पर तुम लोग बम फिट करो ताकि लोगों के चितने चितने उड़ जाए ठीक बा लेकिन बाबा एकरा बदला में हमनी के इनाम का सब कुछ मिल जाएगा काली पांडे की संपत्ति और 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ भैया बाबा समझे कि काम हो गए लेकिन वो तो ठीक बापोहा से हमने के रक्षा के करी है बाबा चिंता करने की कोई बात नहीं है हमारा गरुड़ तुम लोगों की रक्षा करेगा जॉन कहत नहीं उहे करब हम लाश के ढेर लगा दे खून के नदी बहा दे हम सुननी है भोलावन भैया तू शिवा और नगीना छट कर तरंसत अपन परिवार के बदला लेवे की है सही समय पे हम ब्लास्ट में उहो दोनों मर जे हंसा चला वहां सोने का चिता वही चला दे रोजानी कितने लालची होते कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं तभी तो हम पाकिस्तानी इनको लूटते हैं खून की नदियां बहाते हैं एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान पे पाकिस्तान राज करेगा इंसान
भैया एकदम सोरा आना सच कहता रे। अरे कौनो बम ब्लास्ट ना भइल तो दोनों नगवा नगिनिए छठ घाट के बचा लेवे चाहे बाबा। मुझे सब पता, अब और कुछ करना पड़ेगा। बाबा बाबा गजब हो गई बाबा, शिव और नगीना दोनों जिंदा बा, हम अपन आग से देख के आवता नहीं। ये तो अच्छी खबर है। तुम सब जाओ और उन सबको उठाकर अपने अड्डे पर लेकर आओ, और हाँ काली पांडे को भी लेके आना। अरे शिवा देख लिया जाए, शिवा नगीना से हटी तकली। अब मैं इन छधारी नाग और नागिन को अपने अड्डे पर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखो काली पांडे, ये है तुम्हारे असली बेटा और बेटी। हमारे बेटा बाबूजी, हमारे बेटी, हमारे बाबूजी। छोड़ हम रखे। देखो शिवा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, लेकिन 5 मिनट में इसका इंतकाल हो जाएगा। अगर अपने बाप को जिंदा रखना चाहते हो तो बुलाओ इसी छतधारी नाग और नागिन को। मैं एक ऐसे सांप से टसवाने जा रहा हूँ जिसके विष से वही तुम्हारे बाप को बचा सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। ना बेटा ना, जब वो नागो नागिन इसके बेटे और बहू का रूप में जा सकते हैं, तो इसका विष निकालने के लिए वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे। सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट है, बुलाओ उस इच्छाधारी नाग नागिन को, क्योंकि वही दोनों अब तुम्हारे ससुर का जहर निकाल सकते हैं। Thank you.
आई बड़े इच्छाधारी नाग नागिन के अपना देश ले जाए के उन्हें सपना तो काल हो जाए। छोड़ दे हमारा कुल देवता के। ए, कौन रोकेगा मुझे? मैं पहले तुम सब लोगों को मारूंगा और इस सांप को अपने देश लेके जाऊंगा। उसके बाद इसका विष निकाल के एक ऐसा जहर बनाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। तू मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तेरी मौत का कारण मेरी बेटी बनेगी। तुम मेरी बेटी हो नगीना? हाँ नगीना, तुम मेरी बेटी हो। तुमको मैंने अपनी गोद में जन्म दिया है। प्रिय, पूर्णिमा की रात को हमें अपनी सर्प योनि को धारण करना होगा। नहीं नागराज, मैं सर्प योनि धारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। ये तो बड़ी दुख की बात है। तुम जिस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, तुम्हारे मनुष्य रूप में गर्भ धारण करने के कारण वो बच्चा कभी सर्प योनि धारण नहीं कर सकता। उसके जन्म के बाद उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अपने बच्चे के बिना ही रहूंगी? नहीं नागराज, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। कोई उपाय बताइए ना। इसका उपाय तो शिवजी ही बता सकते हैं। तुम्हें जन्म देने के बाद मैंने तुम्हें भगवान शिव के मंदिर में छोड़ दिया, जहाँ से तुम्हें जानकी अपने घर ले गई। हाँ बेटी, तुम हमारी बेटी हो। तुम अपनी शक्ति दिखाओ और इस पाकिस्तानी की घमंड को चकनाचूर कर दो, ताकि कोई भी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान की तरफ सर उठा के भी ना देख सके। जितनी शक्ति मुझ में है उतनी शक्ति तुम में भी है। तुम अपनी शक्ति दिखाओ और इस पापी का सर्वनाश करो। इस पापी की शक्ति इस गरुड़ में है। सबसे पहले इस गरुड़ का वध करो। तुम तीन बार मेरे साथ भगवान शिव का नाम लो। कौन हो तुम? ड्रिल इंसानियत के दुश्मन। पानी की कीमत रेगिस्तान से पूछ, नारी की कीमत हिंदुस्तान से पूछ, नगीना की कीमत अपने पाकिस्तान से पूछ। जीवन नगीना के विष से तू पूरा हिंदुस्तान के तबाह करे की सोचा ताड़े? आज उहे नगीना तोहर काल बन के तोहरा सामने खड़ा दिया। बुला अपन पाकिस्तानी आतंकवादियों के। उन सब आतंकवादियों के खातिर ई नगीना ही काफी बिया। और आज जवन रास्ता से तोहरा महतारी तोहरा के इस धरती पे जन्म दिए ले दिया ना, आज अगर उहे रास्ता से तोहरा के ओकर पेट में ना घुसेर दिए नी, तो हमार नाम नगीना ना। जय शिव शंकर।
नगीना, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी भगवान शिव सुखी रखे। बेटा, बाबूजी आओ बेटा। ज्योति, हमार बेटी, हमार बेटी ज्योति। अल्लाह देवता हमनी के फिर से मिला दे। कबो ना जाई बाबूजी। अब हमनी के कोनो दुश्मन। जय हो नाथ। ओम नमः शिवाय।